हेलो बच्चों, क्लास 10th में इंग्लिश में पोएट्री सेक्शन में आपकी थर्ड पोएम कंटिन्यू है, द विलेज सॉन्ग। इट मींस कोई गांव का गीत, गांव के गीत से रिलेटेड ये पोएम है, और जिसे सरोजनी नायडू ने लिखा है, कंपोज किया है। थोड़ा सा बताता हूँ सरोजनी नायडू के विषय में। सरोजनी नायडू बॉर्न 13th फरवरी 1872 मार्च, और उनकी डेथ हुई थी 1949 में। वह जब फ्रीडम फाइटर, एक फ्रीडम फाइटर भी थी और पोएटेस थी मॉडर्न इंडिया की। शी वॉज बॉर्न बंगाली फैमिली ऑन फरवरी 13, 1879 एट हैदराबाद। शी वॉज एजुकेटेड इन चेन्नई, लंदन एंड कैम्ब्रिज। इतनी जगह इन्होंने शिक्षा पाई थी बच्चों, चेन्नई में, कैम्ब्रिज में और लंदन में। शी मैरिड डॉक्टर गोविंद राजा नायडू, गोविंद राजालू नायडू, एंड सेटल्ड डाउन इन हैदराबाद। और हैदराबाद में वो सेटल्ड हो गई थी। शी टुक पार्ट इन नेशनल मूवमेंट, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लिया। बिकम अ फॉलोअर ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी की फॉलोअर बन गई थी। एंड फॉट फॉर द अटेनमेंट एट स्वराज, और स्वराज के साथ उन्होंने, स्वराज के साथ जुड़ गई थी, स्वराज नारे के साथ, स्वराज कार्यक्रम के साथ जुड़ गई थी। शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वे राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी रहीं, चीफ भी रहीं। एंड लेटर शी वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश। और उसके बाद उनके महान कार्य को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर, राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया गया। यूनाइटेड प्रोविंस नाउ उत्तर प्रदेश। पहले उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, अब उसका नाम है उत्तर प्रदेश। नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। शी वॉज ऑल्सो अ नोटेड पोइट। वेक सुर वाली कवित्री भी कही कही जाती हैं। नोट माने सुर, गाने वाली कविता या गाने वाली कवित्री। हर पोएट्री इंक्लूड्स चिल्ड्रंस पोइम, उनकी कविताओं में है बच्चों की कविताएं। काव्य संग्रह में बच्चों की कविताएं, नेचर पोइम्स, प्रकृति प्रकृति संबंधित कविताएं, पेट्रोटिक सॉन्ग्स या पेट्रोटिक पोइम्स, राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति कविताएं, एंड पोइम्स ऑफ लव एंड डेथ, और प्रेम और मृत्यु की भी कविताएं उनके काव्य संग्रह में निहित हैं, शामिल की गई हैं। दिस पोइम इज कन्वर्सेशन बिटवीन अ विलेज गर्ल एंड हर मदर इन अ रूरल हाउस होल्ड। एक घर की कहानी, ग्रामीण घर की कहानी, जहाँ पर एक बच्ची और उसकी माँ के साथ उसका संवाद चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, बातें चल रही हैं। वेयर द मैरिज सेरेमनी ऑफ अ गर्ल इज अबाउट टू बिगिन, जहाँ पर एक लड़की की, एक कन्या की, कन्या का विवाह उत्सव है, विवाह होने वाला है। द मदर हु इज पीडिंग हर डॉटर टू वेट फॉर हर हजबेंड। द मदर हु इज प्लीडिंग हर डॉटर, माँ अपनी बेटी से गुजारिश कर रही है टू वेट फॉर हर पैथॉल टू अराइव, कि किस तरह से उसका ले जाने वाला, मतलब उसका दूल्हा, वो किस तरह से आएगा, उसका इंतजार करने को कह रही है। ऑल्दो द गर्ल हैज़ नो मोर इंटरेस्ट इन दैट ऑल, यद्यपि उस लड़की का उन सब में, फॉर दिस शी ट्राइज टू लेबल द बेस्ट टू इन्वॉल्व हर इन द ट्रिब्यूल्स ऑफ द मैरिज सेरेमनी। और इसके लिए वो विवाह से संबंधित सारे के सारे रीति रिवाज, रस्मों को उसे परिचय करा रही है। ऑल्दो अ गर्ल हैज़ नो मोर इंटरेस्ट ऑल दैट, यद्यपि उस लड़की का उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो द मदर रिमेंबर्स हर सेक्रीफाइस इन द प्रोसेस ऑफ बींग ब्रिंग अप हर, इसलिए माँ उसे अपने त्यागों का वास्ता दे रही है, किस तरह से उसने उसे बड़ा करने में, उसे पालने में कितने कष्ट सहने पड़े वो बताने की कोशिश कर रही है। टू कंट्रोल हर इमोशन, अपनी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए, शी ऑफर्स हर ब्यूटिफुल ज्वेलरी, वो उसे अपनी सुंदर ज्वेलरी, अपने सुंदर गहने देती है। एंड ब्राइडल गाउन इटीसी, और विवाह का गाउन, गाउन मीन्स वही घाघरा जो होता है वो देती है। बट द गर्ल विशेज टू रन ऑफ टू द फॉरेस्ट टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी एंड रिमेन अ चाइल्ड फॉर एवर, परंतु वो लड़की, वो जो कन्या है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, वो भागना चाहती है जंगलों में और वापस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहती है, और हमेशा एक बच्चा ही बना रहना चाहती है।
तो इस तरह से बहुत प्यारी पोइम थी ये, आपने इसका सारांश पढ़ा आज, और नेक्स्ट टाइम में बच्चों पूरी पोइम आपको पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, इसे तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बच्चों।